मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात को हुई लगभग आधे घंटे की बारिश के कारण जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। बुधवार को इस बारिश के कारण 110 में से 80 केंद्रों में धान खरीदी बंद हो गई। जिन किसानों ने टोकन कटवाया था उन्हें वापस लौटा दिया गया। जिले में 5 अरब का धान भीग गया। कई केंद्रों में बदहाली भी सामने आई। इस बेमौसम बारिश के कारण जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। इस बारिश के कारण 110 में से 80 केंद्रों में धान खरीदी बंद हो गई। कई केंद्रों में बदहाली भी सामने आई है। कई फंड में पानी भरने के कारण कीचड़ रहा तो कहीं धान भीगने से बोरे भी सड़ने लगे। परिवहन के अभाव में अभी भी सोसाइटियों में लिमिट से 2 से 3 गुना ज्यादा धान रखा हुआ है। वही धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानी को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने जनहित याचिका दायर की है। राज्य के याचिका निराकृत करते हुए मुख्य सचिव को 1 माह में याचिकाकर्ता के आवेदन का निराकरण करने का आदेश दिया है। प्रदेश में धान खरीदी पॉलिसी के अंतर्गत प्रक्रिया को जनहित में चुनौती देते हुए जनहित याचिका अधिवक्ता सुमेश बजाज के माध्यम से दायर की गई। याचिका में कहा गया कि किसानों की जमीन के धान के हिसाब से कम जमीन का प्रमाण पत्र पटवारी दे देते हैं। जिन किसानों के पास 1 एकड़ की जमीन है उनको आधा एकड़ बताकर प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इससे किसानों का 100% धान नहीं बिक पा रहा है। 100% भूमि में हुई उपज में से किसी को 75% तो किसी को 50% की ही उपज बेचना पड़ रहा है। किसानों के धान को अवैध तरीके से जब्त किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि 1 महीने में याचिकाकर्ता के आवेदन का वे निराकरण करें।